हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सरिफुल और आप देख रहे हैं सरिफुल मिर्जा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे हम अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम अपने गूगल ड्राइव पर रख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा अगर कोई यूट्यूबर है तो वो जब कहीं बाहर पर कोई वीडियो शूट करने के लिए जाते हैं तो एक ही साथ बहुत सारे वीडियो शूट करना पड़ता है। अगर उनके पास मेमोरी ज्यादा नहीं है, स्पेस ज्यादा नहीं होते, तो उन लोगों के लिए शूट करना बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनवा रहा हूं कि आप लोग कोई भी वीडियो अगर शूट करते हैं तो उस वीडियो को आप किसी दूसरे ड्राइव पर यानी गूगल ड्राइव पर आप रख सकते हैं। तो रखने के बाद उस जो आप आपके जो मोबाइल मेमोरी पर जो वो वीडियो रहेंगे ओरिजिनल वीडियो, उसको डिलीट करके और दूसरा वीडियो आप शूट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करते हुए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फाइल या किसी भी वीडियो को अगर आप गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिस ड्राइव पर आपने उस फाइल को रखे है यानी फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए, और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप जिस फाइल को गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं तो उस फाइल को आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि सेंड का ऑप्शन आया हुआ है, तो उस पर आप सेंड पर आप क्लिक कर लीजिए। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा, तो उस पर आप देख सकते हैं सेव टू ड्राइव। तो इस सेव टू ड्राइव पर आप क्लिक कर लीजिए। तो सेव टू ड्राइव पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो इस पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स का टाइटल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं या ऐसे भी आप रख सकते हैं। पर ऑप्शन जो है इस पर आपको लिखा है आपका जो ईमेल आईडी है, यानी आप जिस ईमेल आईडी से आप गूगल ड्राइव को लॉगिन किया था उसी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखे देंगे। तो उसके बाद आप जो सेव का ऑप्शन है इस सेव ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो सेव ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको आपका जो ये फाइल है डॉक्यूमेंट्स है ये आपका डायरेक्टली चले जाएंगे आपका गूगल ड्राइव पर। तो आइए हम देख लेते हैं, गूगल ड्राइव पर जाकर हम एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर भी इस पर सेव करके रखे हुए हैं। सो फ्रेंड, आगे अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बार बार धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।